केजरीवाल ने खो दिया अपना दो अनमोल हीरा, चारों ओर मचा शोर। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मी पिछले कुछ समय से चरम पर है। इस क्रम में राजनीतिक दलों के बीच विरोधी दलों के प्रभावी नेताओं को अपने पाले में करने का सिलसिला भी अभी से शुरू हो गया है। ऐसा कर सियासी दलों के नेता राजधानी में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश में लगे हैं। इसी कड़ी में नॉर्थ ईस्ट से आम आदमी पार्टी के गाजीपुर सब्जी मंडी के अध्यक्ष राजकुमार बल्लन और आम आदमी पार्टी पूर्वांचल मोर्चा के उपाध्यक्ष अनिल झा ने अपनी पार्टी का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले आपके दोनों नेताओं को सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कार्यक्रम में पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया और उनके इस फैसले पर खुशी जाहिर की। इस दौरान बीजेपी के विधायक अजय महावार भी मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में आपके लिए बढ़िया काम किया है, लेकिन अपनी पार्टी से मोह भंग होने पर इन्होंने बीजेपी का साथ देने की इच्छा जताई है। मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की गलत नीतियों की वजह से कई लोग अभी भी परेशान है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर सब्जी मंडी के अध्यक्ष ने बिना लोभ लालच के अपने पद को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, जिसका हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। इनके बीजेपी में शामिल होने से दिल्ली में पार्टी और भी मजबूत होगी। आपसे बीजेपी में शामिल गाजीपुर मंडी के अध्यक्ष राजकुमार बल्लन ने कहा कि जब उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी तो उनकी मुलाकात सीएम अरविंद केजरीवाल से हुई थी। इस दौरान उन्हें ऐसा लगा था कि वो उच्च राजनीतिक और नैतिक मूल्यों वाली पार्टी में शामिल हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें सीएम अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क महसूस हुआ, जिससे उनका पार्टी से मोह भंग होने लगा। अब सीएम केजरीवाल उन लोगों के साथ हाथ में हाथ डालकर एकजुट होने की बात कर रहे हैं, जिन्हें कभी वे और संजय सिंह खूब कोसा करते थे। इस घटना के बाद से उन्हें एहसास हो गया कि वो सही जगह पर नहीं है, इसलिए उन्होंने अविलंब अपनी घर वापसी का फैसला लिया और सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष से संपर्क कर संगठन से जोड़ने का निवेदन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी मेरे लिए एक परिवार की तरह है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।